हेलो एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स दिखाऊंगी जो इजीली आप कटिंग से बहुत ही जल्दी हो जाएंगे और छोटे से छोटे पॉट में भी आप उनको लगा सकते हैं। अभी भी आप उनको डीआईवाई प्लांटर में भी कटिंग्स लगा सकते हैं ताकि वो सुंदर भी दिखें आपके डीआईवाई और वो आपकी कटिंग्स भी रेडी हो जाएगी। देखिए जिस तरीके से मैंने ये लगा रखे हैं, ये कटिंग्स हैं सब, और थोड़े बड़े होने पर इनको बड़े पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं और आपके डीआईवाई सुंदर भी लगते रहेंगे कटिंग्स लग करके। तो इनमें कटिंग्स इजीली रेडी हो जाएगी छोटे पॉट में, थोड़ी मिट्टी में ही, एक बाउल मिट्टी का भी होगा उसमें भी ये कटिंग्स रेडी हो जाएगी। और चलिए देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही छोटे से पॉट में लगा है, बिल्कुल ही छोटे से पॉट में। तो ये डेविल्स बैकबोन का प्लांट है। इसमें मैंने देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर होती है, और ये जो पत्ती मुड़ रही है देखो, मैंने सीधी की तो बीच से इसकी पत्ती थोड़ा टूट सी गई है। तो इसकी पत्ती का कलर आप देख सकते हैं कितना सुंदर, और डिज़ाइन देखिए इस पर कितने सुंदर होते हैं। तो ये डेविल्स बैकबोन का जो प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, ये सभी कटिंग से लगाए हैं। ये मैंने डेविल्स बैकबोन की एक प्लांट से ली थी, टिप की कटिंग्स ली थी मैंने। इसकी कटिंग में से दूध सा निकलता है, उसको सुखा लिया था थोड़ा, एक दो घंटे धूप में रख के फिर लगाई थी मैंने, क्योंकि वरना वो दूध जो है ना उसको फिर कटिंग सड़ने का डर रहता है। तो देखिए कितने छोटे से प्लांटर में है ये, और सारी कटिंग्स रेडी हो चुकी हैं। फिर आप इसमें से कई सारे पॉट में लगा सकते हैं और आपके पास बहुत सारे गमले हो जाएंगे इसके, हरे भरे बहुत ही प्यारे कलर के। और आप इसको कहीं पर भी इंडोर रख सकते हैं, इंडोर रखने में इसकी पत्तियों का कलर और भी निखर कर आता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए छोटे पॉट में भी ये कितना सुंदर लग रहा है प्लांट। और ये देखिए अजवाइन का प्लांट है, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं, छोटे छोटे कटिंग से ग्रो किए हैं और बहुत ही घने हो गए हैं। ये देखिए बोतल में लगाया है, डब्बे में छोटे से, और कितना घना हो गया। ये एस्पारागस है, इसको शतावरी भी बोलते हैं। तो ये भी मल्टीप्लाई होता रहता है जड़ों में से। इसकी जड़ें दिखाती हूँ मैं आपको किस तरीके से ये घना हो गया, बहुत ही छोटा सा लगाया था मैंने। और देखिए मैं आपको इसकी जड़ें दिखाती हूँ, लहसुन की कली जैसी होती हैं और ज़मीन में तो ये बहुत ही ज़्यादा इसकी जड़ें फैल जाती हैं नीचे तक, मूली की तरह हो जाती हैं, लेकिन अभी लहसुन की कली जैसी हैं क्योंकि ये छोटे पॉट में ही लगा हुआ है, लेकिन बहुत घना हो गया है प्लांट। देखिए ये जो है इसकी जड़ों में पानी स्टोर रहता है। ये डेविल्स बैकबोन की दूसरी वैरायटी है, देखिए धूप में इस तरीके से हो जाते हैं और छाया में इसकी पत्तियां बहुत सुंदर लगती है। तो ये छाया में रखते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं इनकी पत्तियों का डिज़ाइन और कलर भी। ये देखिए ये मदर थाउजेंड का प्लांट है, बहुत सारे प्लांट्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, इसकी पत्तियों में ही बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, पत्ती नीचे गिर जाती है तो प्लांट ही बन जाता है। ये देखिए आप इसमें देख भी सकते हैं दो प्लांट रेडी हो गए हैं गिर करके। तो मदर थाउजेंड इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये एक प्लांट पर ही थाउजेंड प्लांट लगे रहते हैं, पत्ती पर ही देख सकते हैं आप इसके, और नीचे झड़ते रहते हैं और प्लांट बनते रहते हैं। इसको भी आप लगा सकते हैं अगर ना हो तो। और ये देखिए यहाँ पर सभी कटिंग्स लगाई हुई हैं कुछ, और मैं तो गर्मी में भी लगा देती हूँ, तो अब इनमें जड़ें बननी स्टार्ट हो जाएंगी जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होगा, क्योंकि ये कटिंग्स जो है ऐसी हैं कि ये अगर गर्मी में भी लगा दी जाए तो ये सूखती नहीं जल्दी से, क्योंकि इनकी पत्तियों में स्टेम्स में पानी स्टोर रहता है। तो आप इनको फ्री में कहीं से भी ला करके इनको ग्रो कर लीजिए, आपके बहुत सारे प्लांट्स फ्री में रेडी हो जाएंगे और जल्दी से ही बरसात आते ही घने भी हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कितने सारे प्लांट्स कटिंग से भी लगाए हुए हैं जो आपको डीआईवाई प्लांटर दिखाई दे रहे होंगे, बोतल डिब्बे जो भी हैं छोटे छोटे से, तो इनमें सभी में कटिंग लगी हुई है। और ये देखिए ये सिंगोनियम का प्लांट है, और ये बहुत ही सुंदर पत्ती वाला होता है देख सकते हैं आप। और इसमें देखिए ये देखिए मैंने कितनी कटिंग्स लगाई थी, और ये जो गीली गीली मिट्टी दिखाई दे रही है काफ़ी बारिश का पानी इसमें जमा हो गया था, तो फिर मैंने ड्रेनेज होल चेक किया तब मैंने उसको खोला जब इसमें से पानी निकला, वरना ये गल जाते प्लांट। मैंने कटिंग लगाई, देखिए नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं, देखिए सूखी पत्ती मैंने जहाँ से हटाई उसके नीचे नई पत्ती, और ये नई नई पत्तियाँ और भी निकाल रहा है। तो ये प्लांट बहुत घना हो जाएगा और बहुत ही सुंदर पत्ती वाला, बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, इनडोर रखते हैं तो बहुत ही सुंदर रहता है। ये मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है, धूप में रखा था तब तो इसकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ सारी जल गई थी, और अब ग्रीन नेट के नीचे भी थोड़ी पत्ती जल रही है क्योंकि ग्रीन नेट के नीचे भी ऐसा नहीं कि पूरी छाया रहती है। ये देखिए पत्ती नई नई निकल रही है, ओवर वाटरिंग भी इसको पसंद नहीं है, देखिए जितना ज़्यादा इसमें पानी हो गया था। ये देखिए ये वैसे ये कटिंग जो है फैल हो गई थी, और देखिए बारिश का पानी जमा होने से कैसे गल गई है। तो इस तरीके से फंगस का भी डर रहता है बरसात में, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो और ये देखिए पर्पल हर्ट, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं, सब जो मैं दिखा रही हूँ आपको ये सब कटिंग से ग्रो किए हैं। देखिए इनकी टिप इस तरीके से जल रही है, ये धूप के कारण हुआ है, कितनी लू चलती है ना दिन में,
आज तो नहीं चल रही है, ना ही कल लू चली थी। बिल्कुल अच्छा मौसम रहा 2 दिन से, तो अब इनकी कटिंग्स आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं से भी जहाँ से भी मिले फ्री में आप इनको प्लांट को रेडी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट लगते हैं देखना। तो इसमें बहुत सारे प्लांट हैं, नीचे से मल्टीप्लाई होते रहते हैं और पॉट बिल्कुल बुशी हो जाता है और पर्पल कलर का इसकी पत्तियाँ बहुत सुंदर लगती हैं और इस पर छोटे छोटे से फ्लावर भी आते हैं, इसीलिए इसको पर्पल हार्ट कहते हैं। फ्लावर जो है उसके हार्ट की शेप में होते हैं। और ये देखिए जो है कलांचो का प्लांट है, पत्थर चट्टा जैसा ही दिखता है ये, लेकिन इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और देखिए बारिश के छींटे छींटे से इस पर सूख गए हैं पानी के। तो देखिए कितने सारे प्लांट्स इसमें, ये घना होता जा रहा है क्योंकि मैंने देखिए जहाँ से आपको टूटा हुआ दिखाई दे रहा होगा वहाँ से मैंने टिप की कटिंग ले करके दूसरे पॉट में लगाई हुई है, और वैसे भी जड़ों में से भी निकलते जा रहे हैं। देखिए प्लांट कितने सारे निकलते जा रहे हैं, और सर्दियों में बहुत सारी फ्लावरिंग होगी इन पर, क्योंकि जितना ज़्यादा घना होगा उतनी ज़्यादा इस पर फ्लावरिंग होगी। फिर तो पत्तियाँ पॉट भी नहीं दिखता, इतनी इस पर फ्लावरिंग होती है। तो इसकी कटिंग भी आप लगा लीजिए, आप इसको पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसका पूरा वीडियो बनाया हुआ है कलांचो का, आप इसका देख लेना वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी। तो पूरी जानकारी है इस प्लांट की। तो और ये देखिए गॉन फ्रेना प्लांट, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है, मैंने फरवरी में इसकी कटिंग लगाई थी, और अब देखिए कितना सुंदर चल रहा है। इतनी लू चली, इतनी गर्मी हुई, और ये प्लांट ऐसा लग रहा है कि बरसात में ग्रो हुआ हो। देखिए कितने सुंदर लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये इतनी गर्मी में रहा। बस ये 10-15 दिन से ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है, तभी इसकी पत्तियां नहीं जल रही, वरना धूप में इसका बुरा हाल हो जाता है, पत्तियां जलने लगती हैं नीचे से। लेकिन ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलिए मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ ये प्लांट कैसे कटिंग से ग्रो हो जाता है। ये देखिए इसकी कटिंग रेडी है, ये देखिए आप जड़ें देख सकते हैं आप इस पर। तो यहाँ से ही आप इसको कट कर लीजिए और सीधा मिट्टी में लगा दीजिए। जड़ तो बनी हुई है तो और जल्दी सर्वाइव कर जाती है। मिट्टी आपकी लाइट होनी चाहिए, बिल्कुल ठोस मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो कटिंग से ग्रो अगर करेंगे तो जल्दी, बहुत जल्दी बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। तो मैंने कटिंग से कई बार इस तरीके से ग्रो किए हैं, और सीड से भी हो जाते हैं। इसका भी मैं वीडियो डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, देख लेना आप ये किस तरीके से फ्लावर्स से ग्रो होते हैं बहुत सारे प्लांट। लेकिन कटिंग से जब ग्रो करते हैं, ये देखिए हर जगह इसमें जड़ें बनी हुई है नीचे, तो आप इसको ईजीली कटिंग से लगा सकते हैं। मैंने भी इसको कटिंग से लगाया। ये देखिए आप यहाँ भी पर्पल हरे प्लांट आपको दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर इस पॉट में कटिंग्स से ही ग्रो हुए प्लांट हैं, गॉन फ्रेना का भी और इसमें पर्पल हर्ट के भी। और आपको पॉट दिखाऊंगी मैं कैसा है। टूटे फूटे पॉट में मैंने ऐसे ही लगा दिया था, ये बिल्कुल टूटा हुआ पॉट था, मैंने पोलोथीन में रख के इसको तब फिर पानी दिया था कि ये पोलोथीन इसका पानी रोक लेगी, और अगर कटिंग सक्सेसफुल होती है तो मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। पर कहाँ मैंने किया ही नहीं पॉट में शिफ्ट, इसकी जड़ें ज़्यादा गहराई में भी नहीं जाती हैं गॉन फ्रेना प्लांट की। जो मैंने प्लांट कटिंग से ग्रो किए हैं मैंने आपसे शेयर किए, तो आपको कैसे लगे आप ज़रूर इनको कटिंग से ग्रो करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।